हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग काइनेमेटिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड डिस्कशन करेंगे, है ना। इसके पहले मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ सिचुएशंस कराए थे। अच्छा चलो, रिलेटिव वेलोसिटी का ही कुछ और डिस्कशन करते हैं आज, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सिस्टम। तो न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, एक मान लो सिचुएशन मैं दे देता हूँ कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, एंड देन इफ इट इज आस्क्ड दैट फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तब मुझे क्या करना है। देखो मैंने डिस्कस किया था थियोरेटिकली कि जब भी वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग बॉडी इज टू बी नोन विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनादर मूविंग बॉडी, सो इट इज़ अबाउट द रिलेटिव मोशन। यहाँ चूंकि ए का वेलोसिटी पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और स्टेट ऑफ बी क्या है, दैट इज सेड टू बी हैविंग अ मोशन ड्यू नॉर्थ विद अ गिवन स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट इज बींग ऑब्जर्व बाई अनादर मूविंग बॉडी। तो दिस इज अबाउट द रिलेटिव मोशन। तो इसका मतलब हम लोगों को जो इवेल्युएट करना है वो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए बी। सो दिस रिलेटिव वेक्टर is defined as the subtraction between the absolute velocities of A and B. So it is velocity of A minus velocity of B. तो देखो हम लोग यहाँ velocity of A का information पता है, B का information पता है, हमें निकालना है VAB का। तो VAB being the unknown vector, तो मैंने बताया था कि जब कभी मुझे दो vector का information पता होता है और जो unknown vector है उसको इवेल्युएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अननोन आर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नोन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वेयर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, वेयर थीटा इज, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी नोन बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, वेयर वी मस्ट नो द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेक्टर्स टू बी एडेड, यानी कि ए और बी का वेलोसिटी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए लॉन्ग विद द डायरेक्शन, देन ओनली वी कैन से थीटा इज नोन टू अस। तो यहाँ चूंकि मुझे वी ए बी निकालना है, तो थियोरेटिकली दिस वी ए बी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है, तो क्या मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी, दैट मीन्स जो गिवन वेक्टर्स है उन दोनों गिवन वेक्टर्स के नॉन इन्फॉर्मेशन को यूज करके दोनों के बीच में एडिशन को मैं एज एन अननोन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे करने का मतलब क्या है कि जो अगर मैं एक्स वाई प्लेन को यहाँ प्लॉट करूँ, तो देखो एक्स वाई प्लेन में क्या हो रहा है, ये इसको इधर से हटाओ, मैं इधर करता हूँ। एक्स वाई प्लेन को अगर मैं प्लॉट करूँ एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, सो वेलोसिटी ऑफ ए इज सेड टू बी अ नोन वैल्यू ड्यू ईस्ट, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 यूनिट ड्यू ईस्ट, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ बी is given whose magnitude is 2 unit due north. So these are the two velocities, I can represent them
as OA and OB in the geometry, right? So finally, but I am reaching to that state where I need to know the value of what? VAB, jisko maine kya likha? Positive VA with addition of negative of VB. So positive VB hamara situation mein jaise given hai ki due north, maine origin se due north nahi upper side of the y axis likha, to usko niche agar retrace karta hu to definitely ye minus VB. Negative sign of a vector indicates it is that same vector having given magnitude but drawn in opposite to the given direction. So given direction north hai, to opposite to the given direction south, but magnitude will be still to be used to. So is point ko maine C keh diya. To dekho ab positive VB aur negative VB mein, this is the parallelogram formed whose diagonal must always be the resultant as per the parallelogram law. Parallelogram law ka limitation kya tha ki jo formula maine yahan likhaya tha, ye jo dekho, ye jo maine cheez likhaya tha, is cheez ka matlab kya hai ki iska graphical mechanism ye hai ki agar ye vector A aur ye vector B hai, so I can draw them as co-initial vector as per the given angle between them, and then taking them as the adjacent side, I can complete the parallelogram where diagonal of the parallelogram will represent the resultant of them, and based on the information of mod of A as a known value, mod of B known value, and theta known value, I get the value of R as root under of A square plus B square plus 2AB cos theta. तो यहाँ भी वही क्या हमने कि चूंकि मुझे VA और negative VB को use करना था, so as to represent required VAB as the resultant. तो इसलिए देखो adjacent side of the parallelogram बनाया positive VA और negative VB को, और दोनों के बीच का angle को use कर सकते हैं, which is 90 degree here. So therefore मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी, जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी है, वो हो जाएगा रूट अंडर ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया रूट अंडर 16 प्लस 4 यानी 20, दैट इज 2√5 मीटर पर सेकेंड. 2√5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, एंड डायरेक्शन क्या होगा कि इसका एंगुलर पोजीशन दोनों में से किसी एक के साथ बता सकते हैं. सो लेट दिस इज बी द एंगल अज्यूम्ड अल्फा. अगर मैं वी ए बी का डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ वी ए के साथ बताना चाहता हूं, तो आई हैव टेकन एन एंगल अज्यूम्ड अल्फा विथ इट, सो आई कैन राइट डाउन टैन ऑफ अल्फा विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वी बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव वी ए, दैट इज इक्वल टू हाफ. Therefore, direction wise alpha is equal to tan inverse 1 by 2 south of east. तो ये हो गया direction of the relative velocity vector, यानी कि originally A moving due east, originally B moving due north, but जब B से A को देखा जा रहा है तब B को लग रहा है कि A is running with this speed due this डायरेक्शन, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला और उसका कंडीशन को यूज करके किसी भी समय रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर को इवेल्युएट कर सकता हूं. गो थ्रू इट. अब देखो इसी का एक और कंटिन्यूएशन करेंगे विद अ स्लाइट बिट ऑफ चेंज ऑफ कंडीशन. अब मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाता हूँ. मान लो सेकेंड एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन
for example 4 meter per second due south and velocity of A with respect to B, that is given for example 6 meter per second due 30 degree south of west, then find the velocity of B. यानी कि देखो यहाँ क्वेश्चन में अब जो रिलेटिव वाला टर्म का जो इन्फॉर्मेशन था वो दिया हुआ है और मुझे B का वेलोसिटी निकालना है. तो मैंने कहा कि जब भी वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग बॉडी विल बी रेफर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, दैट मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी. और जब रिलेटिव वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है इसका मतलब ऑब्वियसली B का मोशन है और वही मोशन को पूछा भी जा रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, तब इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो. जो गिवन टर्म है वेलोसिटी ऑफ ए 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज ऑल्सो गिवन 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बट द थिंग टू बी नोन इज वेलोसिटी ऑफ बी. वेलोसिटी ऑफ बी नहीं दिया हुआ है. तो हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट एनी सिचुएशन रिलेटिव वेक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय द वेक्टर सब्सट्रैक्शन बिटवीन द फर्स्ट माइनस द रेफरेंस वेक्टर और सेकेंड वेक्टर. तो यहाँ देखो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि आर एच एस वैल्यूज वेर गिवन वैल्यूज एंड एल एच एस वॉज द अननोन वैल्यू, और उसी लिए मैंने एल एच एस को आर यूज किया. तो यहाँ क्वेश्चन में दीज आर द टू नोन वैल्यूज एंड दिस इज द अननोन क्वांटिटी, ये वी बी मुझे पता नहीं है. तो अब सवाल है कि क्या यूज करें. वी ए बी को प्रीवियस में हमने क्या किया था, रिलेटिव को रिजल्टेंट बनाया था. तो रिलेटिव को रिजल्टेंट बनाया था और आर एच एस का जिसके बीच में सब्सट्रैक्शन था उन्हीं दोनों को एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से ए प्लस बी के हिसाब से डेवलप किया था, है ना. लेकिन अब एक ट्रिक समझना है. देखो एक और बार फिर मैथमेटिकल ट्रिक. देखो इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारा बनता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बहुत ध्यान से समझना है, ये मैथमेटिकल ट्रिक है. इस इक्वेशन में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है. पहला बात है कि 4 टर्म्स आर यूज्ड. क्या क्या है 4 टर्म्स आर यूज्ड, क्या क्या है, आर ए बी एंड थीटा, 4 टर्म यूज हुआ है ना फॉर्मूला में, बिल्कुल. अब देखो 4 टर्म में हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम वन मैथमेटिकल इक्वेशन वी कैन ओनली सॉल्व व्हाट, वन अननोन. एक इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व कर सकते हैं तो इस रिलेशन में कॉन्सेप्चुअल पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है. देखो इफ ए इज अननोन, इफ ए दो ए और बी में अगर ए इज अननोन देन दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज ऑल्सो अननोन. वाई बोलो क्यों, कारण ये है, ध्यान देने लायक बात ये है कि फॉर्मूला में जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच में एंगल है. जब ए और बी को कोइनिशियल वेक्टर के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, जब ए और बी को इस तरह ड्रॉ करते हैं ना, जनरल जो फॉर्मूला डेरिवेशंस होता है, तब जाकर ये थीटा बनता है. तो अगर मुझे ये इसका डायरेक्शन नहीं पता है तो थीटा पता नहीं है, थीटा अपीयर्स बिटवीन ए एंड बी. वाइस वर्सा अगर बी नहीं पता है तो भी थीटा नहीं पता है. इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं इफ B is unknown, then this implies again theta is also unknown. तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस फॉर्मूला में मैं A या B को unknown टर्म नहीं यूज कर सकता हूँ. मतलब R को किसी क्वेश्चन में मान लो नॉन वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट को यूज कर दिए और A और B में से कोई भी एक unknown है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन में मुझे दो unknown टर्म appear कर जाएगा, एक तो खुद A और दूसरा theta, और either एक B दूसरा theta. तो एक इक्वेशन से तो दो unknown सॉल्व नहीं होगा.
इसीलिए यहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि इन इक्वेशन r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b फॉर्मूला टू बी यूज्ड, फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर r टेकन एज बोलो अननोन वेक्टर, आर को ही अननोन वेक्टर के हिसाब से इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी ए या बी को अननोन वेक्टर के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस बार मेरा गिवन क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मैं आर नहीं बना सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी को आर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता हूँ? क्योंकि उसको अगर आर बना दिया और इन दोनों में से तो एक को ए और दूसरे को बी बनाना पड़ेगा, तो वी बी इज अननोन, उसको अगर बी बना देते हैं तो फिर थीटा भी इवेल्युएट नहीं यूज नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला में। इसीलिए यहाँ रीअरेंजमेंट जरूरी है। रीअरेंजमेंट क्या करेंगे कि अननोन वेक्टर को एलएचएस में लेके जाएंगे विच इज वी बी, और नॉन वेक्टर्स को आरएचएस में लेके आएंगे यानी वी ए माइनस वी ए बी। अब ये दोनों नॉन वेक्टर है, ये अननोन वेक्टर है। अब इस अननोन वेक्टर को ट्रीट करेंगे एज इफ इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉन वेक्टर्स, तो देयरफॉर वेक्टर वी बी जो है वो लिखा जा सकता है वी ए प्लस ऑफ माइनस वी ए बी, समझ रहे हो, वी ए प्लस ऑफ माइनस वी ए बी। अब तुम क्या करो, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करो और वी ए और वी ए बी को रिप्रेजेंट करो। यहाँ वी ए इज ड्यू साउथ, सो दिस इज वी ए ड्यू साउथ ऑफ 4 यूनिट, वी ए बी इज गिवेन 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि ये वी ए बी है, दिस इज द वी ए बी वेक्टर मेकिंग 30 डिग्री विथ वेस्ट बेंडिंग टूअर्ड्स साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट। तो मुझे तो पॉजिटिव वी ए बी को लेना नहीं है टू इवेल्युएट वी बी, किसको लेना है, नेगेटिव वी ए बी, यानी कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज माइनस वी ए बी हुज मॉड विल अगेन बी इक्वल टू 6 एज सेम एज द मॉड ऑफ दिस। तो ज्योमेट्रिकली ये 30 डिग्री और इधर ये 90 डिग्री, तो यानी कि वी ए और माइनस वी ए बी के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि एक प्रोबेबल पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होगा वेयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दिस, दैट इज दिस, दैट मीन्स दिस इज द रिक्वर्ड वी बी वेक्टर। बात समझ में आया? तो देयरफॉर एज पर द फॉर्मूला द रिक्वर्ड वी बी वेक्टर विल बी यूज एज अ रिजल्टेंट एंड द नोन वैल्यूज दिस टू साइड विल बी टेकन एज जनरल फॉर्म ऑफ ए एंड बी। तो ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 6। अब यूज कर लो फॉर्मूला, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस 120, है ना। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ, तो ये हो गया 16 प्लस 36, इधर माइनस ये 2 और हाफ कटेगा तो 24, तो कुल मिला के वैल्यू आ गया कितना, 16 प्लस 12 यानी 2 root 7 मीटर पर सेकेंड इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब रहा सवाल उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमेशा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम का डायगोनल किसके साथ निकालेंगे, एडजेसेंट साइड में से किसी एक के साथ। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड में से कन्वीनियंट कौन है, ऑब्वियसली वी ए, बिकॉज दैट इज मार्जिंग विद अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो इसको अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो तब फॉर्मूला हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, अदर साइड बी दैट इज 6 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस 120। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, 6 इंटू रूट 3 बाई 2, साइन 120 इज एज गुड एज साइन 60, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव है, और कॉस 120
नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3, कारण यहाँ माइनस आप बैठाएंगे तो इसका मतलब सब मिला के ये आ गया तुम्हारा 3√3। तो इसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3√3। डायरेक्शन मैंने किसके साथ लिया, साउथ के साथ। ये कौन सा क्वाड्रेंट में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरह से हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से रिवाइज करना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी रिजल्टेंट ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी द बेसिक मैथमेटिकल टूल टू डील विथ एनी रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेक्टर और रिलेटिव काइनेमेटिक्स बेस्ड सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स को एक अच्छा लेवल पे लेके जाने के लिए, और क्योंकि सिर्फ फार्मूला याद रखना काफ़ी जरूरी नहीं है, जरूरी तो है लेकिन काफ़ी नहीं है, और फार्मूला के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म पर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो। अगर आप उसमें कंट्रोल लाते हैं तो ऑब्वियसली है कि मैकेनिक्स विल बी ग्रेजुअली अ कम्फर्टेबल यूनिट फॉर यू, और मैकेनिक्स कम्फर्टेबल हुआ तो ऑब्वियस है कि पूरा फिजिक्स आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट और कंट्रोलेबल होगा। ओके ओके, थैंक यू। सो गो फॉर गो थ्रू इट, रिवाइज इट प्रॉपरली। सो आई विल गो थ्रू द प्रॉब्लम प्रैक्टिस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। और इम्पोर्टेंटली इसको डेफिनेटली फॉलो करो बहुत अच्छे से, एंड शेयर एंड लाइक इट, एंड सब्सक्राइब दोज हुए वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट कि आप और भी अच्छा अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप रेगुलरली फॉलो कर सको। थैंक यू।